السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو پھر ان تمام کو ان वजह से पकड़ा और उनमें से कुछ पर पत्थरों की बारिश की कुछ पर आसमान से चीख उतरी कुछ को जमीन में धसा दिया कुछ को डुबा दिया और अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं था ये खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे नाज़िर ने किराम सूरा कबूत की चालीस नंबर आयत है फिराउन कारून हामान इससे पहली उनतालीस नंबर आयत में तीनों बड़े सरकशों का जिक्र किया फिर उनका जिक्र करके अल्लाह ने कहा कि हमने इनकी सरकशी की वजह से इनको हिला कर दिया हिलाकत की क्या शक्ल थी कुछ पर हमने पत्थरों की बारिश की और कुछ पर आसमान से एक चीख उतरी जैसे कौम समूद पर चीख उतरी एक खतरनाक किस्म की आवाज इसी तरह बास कौमों पर पत्थरों की बारिश हुई बास को अल्लाह ने जमीन में धसा दिया जमीन में किसको धसाया कारून का जिक्र आता है वहां आता है कि अल्लाह ने उसे जमीन में धसा दिया इसीलिए कहा जाता है ना अर फारसी का शेर है कि कारू हिलाक के चहल खाना गंजदाश्त के कारू हिलाक हो गया चालीस घरों में उसके खदानों की कुंजियाँ थी नौशेरवा न मुरर्द के ने को गुजाश्त के नौशेरवा कोई आदिल बादशाह था वो मर गया लेकिन नेक नाम अदलो इंसाफ की वजह से छोड़ गया तो अवाम पर हुक्मर जब जुल्म करता है तो इबरत के साथ अल्लाह उसे हिला करता है अवाम के साथ हुक्मर अदलो इंसाफ करता है तो कुफर के बावजूद अल्लाह उसे बाकी रखता है तो अल्लाह ने कहा कि कुछ को हमने धसा दिया जमीन में और कुछ को पानी में यानी डुबो दिया कौमे नूह के आजाब का जहां जिक्र है वहां भी पानी में डूबे जाने का जिक्र है मूसा सलाम और फिराउन का जब मामला था तो फिराउन को भी मूसा अल का जब उसने पीछा किया तो फिराउन को उसी दरिया में डुबो दिया जिस दरिया से मूसा आलाम और बनु इसराइल सलामती के साथ आगे निकल गए और इसने मारे गरूर में कहा कि मेरे हुक्म पर ये रास्ते हैं समुन्दर के अंदर निकल चलो रास्तों से और जब बीच में गया तो अल्लाह ने डुबो दिया पूरी तफसी कुरान की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है तो अल्लाह ने फिर को हिलाक किया जिस चीज पर आदमी गरूर करता है कभी वही चीज हिलाकत का सबब इसलिए बनती है कि गरूर भी टूटे और लोग इबरत भी हासिल करें और आइंदा गरूर न करें वो में सबूत पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे उस पर फख्र करते कि पहाड़ों को तोड़ना इनको सेट करना बहुत आसान नहीं है लेकिन इतने ताकतवर कि हम इनको तराश के मकान बनाते थे और कहते कि हम तो बड़े पावरफुल हैं अल्लाह ने मकान किया फिर उनका गरूर क्या कौम के लोगो क्या ये मिस्र का मुल्क मेरा नहीं है ये नहरें क्या मेरे हुक्म से नहीं चलती हैं? यानी उसका जो गरुर या घमंड था अपनी सल्तनत पर था और उन नहरों पे चश्मों पर था कि देखो मेरे हुक्म से पानी निकलना है नहरें बह रही हैं तो अल्लाह ने उन्हीं नहरों में उसे डूबो कर हिला किया जिस चीज पर आदमी गरूर करता है कारून को अपने पैसों और खजानों पे घमंड था मेरे पास इतना खजाना इतनी दौलत है जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है पैसे वालों का क्या है तो जब कानून ने गरूर किया घमंड किया तो उसके खजानों के साथ अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया मालूम यह हुआ इस आयस से कि गरूर जिस चीज पर आदमी करता है इबरत के तौर पर अल्लाह उसी की सजा उसे देता है ताकि वो इबरत का निशान बन जाए बाद में रह जाने वाले लोग गरूर और घमंड से बच सकें कून फिलान और हामान की मिसाल अल्लाह ने दी इसी तरह से नू इस्लाम की कौम पे जब अजाब आया तो आजाब एक तो आसमान से बारिश जब हो रही है फिर जमीन से चश्मा निकल रहा है पूरा मुल्क पानी पानी में हो गया तो जब अजाब इलाही आता है तो वो चीजें खुद इंसान की हिलात का सबब बन जाती हैं जिनको वो या तो हकीर समझता है कि इससे क्या होने वाला है या जिनको अपना कमाल समझता है इसीलिए गरूर किसी हाल में नहीं करना चाहिए तो चालीस नंबर की आयत में चंद मसाइल जो हमें मिलते हैं पहला मसला जो साबित होता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है जो अल्लाह देने पर कादिर है वही छेनने पर भी कादिर है माल दौलत उहदा मनसब अगर कहीं एजाद और शरफ का जरिया है तो वही उसका गलत इस्तेमाल अजाब इलाही का भी सबब है और अल्लाह इबरत के लिए वो चीजें बाकी रखता है कि देख लो ये हर्ष का हुआ दूसरा मसला मुलिद और दहरीये किस्म के लोग जब कहीं तूफान आएगा सैलाब आएगा जलजला आएगा तो कहेंगे तो जनरल चीजें आम चीजें ऐसा फला वजह से हो गया जलजला इस वजह से आ गए तूफान इस वजह से आ गया सैलाब इस वजह से आ गया यानी उसकी थ्योरी बयान करेंगे ऐसा 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 है ईमान का तकाज़ा यह है कि तूफान जलजले सैलाब आफात अर्जी व समावी जमीन व आसमान की कोई भी आफत व मुसीबत हो उस पर गौर करके तोबा और इस्तफार करें और अल्लाह से उस अजाब को टालने की दुआ करें इसी तरह तीसरा जो मसला साबित होता है कि अल्लाह ना हक किसी को सजा नहीं देता कारून, हामान का जिक्र करके ये भी कहा कि हमने इनको इनके गुनाहों की वजह से पकड़ा फरमाया कि फकुल्ल अ बेदम भी हमने यूं ही नहीं पकड़ा उनके गुनाह और सरकशी की वजह से हमने उन्हें पकड़ा ये तीन मसायले आय से साबित हुए चौथा मसला कहते हैं ना अरबी की मिसाल की अलजा उन्सिल अमल जैसा अमल होगा वैसा बदला मिलेगा उर्दू में मुहावरा ने कि जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी न माने तो करके देख जैसा करोगे वैसा ही नतीजा भी तुम्हारे सामने आएगा जैसा तुम करोगे वैसा ही अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो ये उसी है तो सरकशी जिस अंदाज की होगी अजाब भी उसी अंदाज का आएगा इसीलिए कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला सारे गुनाह जितने गुनाह हैं गुनाह के बाद से लेकर के उसे जब तक चाहेगा मौखर कर देगा एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा बहुत जल्द देता है उसमें देर नहीं होती वो क्या है माँ बाप की नाफरमानी माँ बाप की नाफरमानी आप करोगे आपकी औलाद सामने तैयार है जैसा करोगे बस कुछ ही दिनों के बाद वही सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी जैसी करनी वैसी भरनी ये है चौथा मसला जो इनायतों से साबित होता है कि अल्लाह का अजाब हमेशा एक शक्ल में नहीं आता है अजाब इलाही की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब वो जिस शक्ल में चाहता है जैसी सरकशी देखता है अजाब देता है फमिन मन अरसल व मिन मन अखदत सन खसपना बेहर व मिन अगरकना ये अल्लाह का अजाब है पांचवा जो मसला है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता वमा कान अल्लाह महम अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि इंसान गुनाहों के जरिए मासियत के जरिए खुद अपने ऊपर जुल्म करता है छठा मसला जो और आखिरी जो ऐसा से साबित होता है कि हर इंसान अपने नफ्स पर गुनाहों की वजह से जुल्म करता है ये नफ्स एक अमानत है अब आप चाहें तो इस नफ्स को गुनाहों से पाक रखिए तो अब और इस्ते करते रहिए आमाले सालिया कीजिए या फिर गुनाह पर गुनाह सरकशी पर सरकशी करते जाए लेकिन अमल के लिहाज से बंदे से पूछा जाएगा क़यामत के दिन तो इंसान मासियत और गुनाहों का दरवाजा खोल करके अजाब इलाही का दरवाजा खुद खोलता है और जितना ये दरवाजा आप खोलेंगे उतना अजाब का दरवाजा आपके लिए खुलता जाएगा वसी होता जाएगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह गुजशत कौमों के हादसा वाक़ और उनके अजाब का जो जिक्र उसने कुरान में किया उनसे हमें इमरत और नसीहत हासिल करने की तोफ़ीता फ़रमाए और रहा हक़ पर हमें चलाए आमीन. व सल्ह नबी ना महमदालाजमाइन नाजरे ने किराम इन शहम अगली गुफ्तगु में आपके साथ हाजिर होंगे अल-अनकबूत की वो आयत जिसकी वजह से ये सूर्य इसका नाम अल अनकबूत रखा है आयत नंबर इकतालीस के इस सूर्य का नाम अनकबूत मकड़ी क्यों रखा गया अब इस पर गुफ्तगु होगी वो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत का नवाजिश का शुक्रिया अल्लाह और आपको और सारे सुनने और देखने वालों को अपनी रहमतों की छाव में रखे अपनी अमान में रखे जब तक के लिए आप इजाजत दीजिए असल वरम्ला समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें